ये हो गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, अलग अलग होता है। आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हो ना, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। या इसका एक नाम ना, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है, उसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों को ये सीखना है कि एक्चुअल में अल्कोहल है क्या। मैं आपको ये बता दूं कि अल्कोहल जो है टोटली वो 3 पार्ट्स में क्या है, वो डिवाइडेड है। और आप सभी जानते हैं कि इसका नाम ही है, जैसे कि नाम क्या है इसका बताओ, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, है ना, ये इसका नाम है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग फिनॉल के बारे में जानेंगे, और सबसे लास्ट में ईथर, ठीक है। इनका प्रिपरेशन, उससे पहले क्या आएगा, ये होते क्या है, उनका क्लासिफिकेशन, IUPAC नेमिंग, और फिर आता है इसका प्रिपरेशन, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इन ये सभी क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारी बारी सभी कंपाउंड के लिए चलता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अल्कोहल को जानेंगे, ठीक है, एक्चुअल में कि अल्कोहल है क्या, ठीक है ना। तो अल्कोहल सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब आप हेलो एल्केन और हेलोरिन पढ़ रहे थे, तो आप सभी क्या जानते हो कि मान लो हमारे पास कोई एलिफेटिक या फिर आप कह सकते हो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये मेरे पास है हाइड्रोकार्बन, यानी कि आप एग्जांपल के तौर पे CH3 है ना, H, ये कौन है बताओ, मीथेन, C2H5 और यहाँ पर H, देखो है तो C2H6 लेकिन यहाँ पर मैंने 5 है और एक H यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में से जो H होता है ना, H, इसको रिमूव कर देगा कौन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। तो अगर इसमें से H बाहर निकल जाए, माइनस मतलब H बाहर निकल गया और ऐड कौन हो गया, OH, तो ये क्या बनेगा, ये बताओ, ये बनेगा ROH, है ना। यानी कि ROH एक क्या हो गया, अल्काइल हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कोहल, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, तो OH ग्रुप इसमें ऐड हो गया और माइनस कौन निकला बताओ, H, मतलब H यहां से रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया और ऐड कौन हुआ बताओ, CH3OH, इसका नाम है मिथेनॉल। खैर नाम तो हम लोग ना आगे चल के सीखेंगे, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अल्कोहल क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप का एडिशन होता है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम, कहाँ से बताओ, ये रिप्लेस होता है किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में एच को रिप्लेस करके जुड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसे बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका लिखे डेफिनेशन, तो बहुत ही बेहतरीन सा बनेगा एक डेफिनेशन। यहां पर देखो ना, यहां पर मेरे पास में अगर मान लो इथाइन, यानी कि इथेन में से मैं अगर H को बाहर निकालूं, एक H या 2H, कितने भी H आप रिमूव कर सकते हो, और यहां हमने हाइड्रोक्साइड ग्रुप जोड़ दिया OH, तो हमें क्या मिलेगा, C2H5 और यहां पर OH, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक रिमूव हो सकता है, 2 या 3 भी, जितना मर्जी एच आप रिमूव करके OH लगा सकते हो, बनेगा एल्कोहलिक, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा एडिशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोक्सिल, कह सकते हो ब्रैकेट में आप OH लिख देना, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग उसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है ना, वन और मोर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अगर जुड़ जाए, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ जाए, तो जो हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे अल्कोहल, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर पहले से लिख दिया है, तो अब आप इस डेफिनेशन के बाद में ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एरोमेटिक होगा तो फिनॉल बनेगा, और अगर एलिफेटिक होगा तो आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना। अल्कोहल जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ एक बार, इफ एच इज एच एटम, एटम्स लिखते हैं, इफ एच एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय
रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन एरोमेटिक, इन एरोमेटिक, देन इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म फिनॉल। यहां पर एरोमेटिक ना हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बेंजीन की, ठीक है ना, बेंजीन रिंग, आप यहां बेंजीन ऐसे ब्रैकेट में लिख देना कि अगर बेंजीन रिंग पर से H को रिप्लेस करके ऐड हो जाए कौन, हाइड्रोक्साइड। मान लो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग से क्या हुआ, H तो बाहर निकल गया लेकिन इसमें ऐड कौन हुआ, OH, तो हमें एक नया न्यू अनदर कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, फिनॉल, ठीक है ना। तो फिनॉल और कौन, हाँ एल्कोहल, इन दोनों को हम लोग ना साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, फिनॉल हमारा ऐसे बनता है और एल्कोहल हमारा, ऊपर मैंने आपको समझाया कि देखो ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, OH ग्रुप ऐड होता है किस पर, हाइड्रोकार्बन, यानी कि एलिफेटिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि एलिफेटिक हो भैया, वो हो सकता है एलाइलिक भी हो, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है? तरीका है, OH ग्रुप क्या करता है, रिप्लेस करता है वन और मोर हाइड्रोजन को ताकि वो क्या हो सके, उस पर ऐड हो सके कंपाउंड पे, ठीक है। चलिए कॉपी करिए इसको, ठीक है, देखो। तो अब ना इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट तुमको लिखना था वो ये लिखना था कि एन एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि ये नहीं है कि एक एल्कोहल में केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसमें एक ही OH ग्रुप होगा, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद में जो टॉपिक हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो कई कई टाइप से क्या होगा, ये क्लासीफाई होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने नंबर में है, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग इसे करते हैं क्लासीफाई, ठीक है ना। तो छोटे छोटे हेडिंग में लिखूंगा और शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आता है इसमें जो हमारे पास नंबर एक पे है, वो है मेरे पास मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, देखो जैसे मैं आपको समझाता हूं कि CH3OH, इसमें एक ही OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक हो गया। और एग्जांपल देखें तो CH3CH2OH, देखो इसमें क्या है, इन सब में एक ही OH ग्रुप है तो हम लोग इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कौन होंगे, ऐसे एल्कोहल जिसमें दो, यानी कि टू क्या होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप नंबर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम डिफाइन चाहे तो कर सकते हैं, ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर मान लो दो एल्कोहल ग्रुप है, यानी कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम उसे कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो इफ टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा प्रेजेंट तो हम उसे बोल देंगे डाइहाइड्रिक, ठीक है ना। देखो ऐसे CH2 और यहां पर भी क्या है CH2, एक OH इसके पास और एक इसके पास, इसके पास, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड आता है मेरे पास, उसका नाम है ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, ट्राई आएगा फिर टेट्रा ना पेंटा, ऐसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम लोग केवल तीन तक ही यहां पे लिखेंगे, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। मोनो हो गया, डाई हो गया और फिर क्या हो गया बताओ, ट्राई, है ना। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर तीन हो गया तो ट्राई, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इफ
थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप, थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप आप इसमें कह सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप बोले तो OH इज प्रेजेंट. अगर तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप तीन प्रेजेंटेड नंबर में तो हम लोग उसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक, ठीक है ना. यानी कि CH2 इधर लिखा हुआ है CH2 और हम यहाँ लिख सकते हैं CH3, यहाँ CH2 आएगा भी, ठीक है ना. नहीं CH2 लिख दो यहाँ भी, ठीक है ना. तो उसमें OH भी तो लगेगा अभी CH2, इधर OH, इधर भी OH और इधर भी OH. ये हमारा हो गया कौन, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है. ये सभी क्या है, एग्जांपल्स हैं, आप इसको लिखिए. ये तो था हमारे पास अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप. इसके बाद मेरे पास में आता है किसका बेस पर, हाँ डिग्री ऑफ कार्बन. प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, ये सभी आप जानते हो. सबसे पहले आता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना. मिथाइल अल्कोहल के बाद में कौन आएगा बताओ. मिथाइल अल्कोहल के बाद में आपके पास आता है कौन सा, हाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. तो थ्री टाइप्स के ये भी हमारे पास होने वाले हैं, ठीक है भाई. ये लिख लिया, ये इसका एग्जांपल ये है. हाँ यहाँ से स्टूडेंट चाहिए ना. इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा तो चार बॉन्ड पूरे करने, ठीक है. तो चार बॉन्ड गिनो, एक दो हो गया और एक H3 हो गया, एक बॉन्ड चार है ना. यहाँ पर H2 नहीं आएगा, ठीक है, वो मिस्टेक था, ठीक है. तो ऐसा हम खुद भी ठीक कर सकते हैं ना. चलो ठीक है, करेक्ट हो गया. चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे. कंपाउंड जिसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है. चलो हो गया, तो ये सब हो गए, नोट हो गया. चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे. अब मेरे पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, ठीक है. इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन सा, कार्बन OH है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना. हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है. देखो ये इसमें ऐसा आएगा, प्राइमरी एल्कोहल. अब ये प्राइमरी एल्कोहल कौन सा होगा, ऐसा कार्बन जिस पर OH अटैच है, वो केवल एक ही कार्बन एटम से क्या होगा, अटैच होगा. देखो इस कार्बन एटम के पास कौन है बताओ, OH ग्रुप है, और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, बाकी हम इस पर H लगा देंगे, ठीक है ना. एक H ऊपर और एक H नीचे, तो हम इसको बोलते हैं 1 degree, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है. तो ये हो गया मेरा 1 degree अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं. इसके बाद इसमें आता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है. सेकेंडरी अल्कोहल कौन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल. इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना वो 2 degree होता है, यानी कि जो कार्बन है जिसके पास OH एटम, मतलब OH ग्रुप अटैच है, कार्बन एटम जिसके जिस पर OH अटैच है, वो कार्बन अनदर 2 carbon से अटैच होगा, ठीक है ना. देखो इस कार्बन के पास एक तो यह है कार्बन मिथाइल ग्रुप, एक यह मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप हो गया. जरूरी नहीं कि मिथाइल ग्रुप हो सकता है मिथाइल ग्रुप भी है ना, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है. अब यहाँ मैंने H लगा दिया, भाई 4 bond हो गए पूरे, 1, 2, 3, ठीक है. हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, नाम इसका ना अलग अलग होता है. आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हो ना, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 degree अल्कोहल, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं. या इसका एक नाम और है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है. कई सारे नाम है इसके, तो है ना, ये आपको ना प्रैक्टिस से पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आप भूलोगे भी नहीं.
यानी कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है। इसके बाद में आता है टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। टर्शरी एल्कोहल वन हो गया, टू हो गया, तो मैं थर्ड यहां लिख रहा हूं, टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। टर्शरी एल्कोहल में कौन आएगा? ऐसा कार्बन एटम जिस पर OH अटैच है, वो अनदर से, हाँ, थ्री कार्बन से क्या होगा, वो अटैच होगा, उसे आप लोग बोलते हो टर्शरी। जैसे कि मान लो यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, C हो गया, इधर OH हो गया, अब यहां हम लोग लगा देंगे मिथाइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप इधर इस टाइप से, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं थ्री डिग्री कार्बन। तो थ्री डिग्री कार्बन एटम से जो OH अटैच है वो एल्कोहल बनाएगा, हम उसे बोलेंगे थ्री डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ, थ्री डिग्री टर्शरी एल्कोहल, ठीक है ना, ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है, हो गया। ये चीज हमारे पास क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद को मैं आपको समझा रहा हूं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, इसमें एक चीज और लिख दो ना, कंटेनिंग OH ग्रुप, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे पास कौन हो गया बताओ, OH ग्रुप अटैच्ड है जिस कार्बन पर, वो कार्बन sp3 क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है कौन सा, एलाइलिक एल्कोहल, यानी जिस कार्बन पर कौन होगा, ये हो गया OH ग्रुप होगा, वो कार्बन से अगला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। ये हमारा ए था, ठीक है ना, इसको ए कर देना। इसके बाद में इधर बी लिखेंगे, उसमें आता है एलाइलिक एल्कोहल में क्या होता है, द नेक्स्ट कार्बन एटम ऑफ OH बॉन्डेड कार्बन इज डबल बॉन्डेड, है ना, डबल बॉन्डेड मतलब कि डबल बॉन्ड होगा उस पर लगा हुआ, उसे हम लोग बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। ये बात हम सभी ध्यान रखेंगे, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। देखो एग्जांपल, देखो उसमें कौन कौन आएगा, सबसे पहले CH3 हो गया, फिर C हो गया, H डबल बॉन्ड, यहां पर CH हो गया, और यहां पर क्या CH2, उसके पास OH। देखो जिस कार्बन के पास क्या है, CH2 है, ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट कार्बन है ये क्या बताओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम इसे बोलेंगे क्या, एलाइलिक एल्कोहल लेकिन प्राइमरी, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें लिख देंगे प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, ये बात हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद आता है सेकेंडरी, ठीक है ना, ये एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल डाल के इसमें लिखना, सेकेंड इसमें आपके पास आएगा, देखो जिस कार्बन के पास OH है उससे नेक्स्ट कार्बन होगा डबल बॉन्डेड, लेकिन इस कार्बन पर क्या होगा, एक और कार्बन अटैच होगा, 1 2 3 4 हो गया, 2 3 है ना, यहाँ पर H लगेगा इस पर, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा, ये कार्बन जिसके पास क्या है, OH है, लेकिन जो उससे नेक्स्ट वाला है कार्बन, ये कार्बन हमारा डबल बॉन्डेड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और ये कार्बन भी हमारा क्या है, 2 डिग्री
टू डिग्री सी एटम, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। ये हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, समझ में आ रहा है, लिख भी लिया होगा, लिखो। थर्ड है इसका, फर्स्ट हो गया ये हमारा, सेकेंड ये हो गया, थर्ड यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी एच थ्री हो गया इधर, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच मत लगाओ इसमें, ठीक है, चलो लगा देते हैं सी एच। जिसके पास ओ एच है ये, और थ्री कार्बन से क्या होगा, देखो ये कार्बन एटम जिसके पास कौन है, ओ एच है, वो कार्बन थ्री डिग्री है। तो यहाँ पर दो तीन चीज हो गया, देखो एक तो कार्बन थ्री डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है ना, कार्बन एटम। दूसरा क्या है, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड भी है, हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल ये है, इसे कॉपी करो, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, लिखो फटाफट से। हाँ देखो, अब देखो इसमें जो अगला है वो है बेंजाइलिक एल्कोहल, सी, ठीक है भाई, ये सी पॉइंट है तुम्हारा, इसमें सी पॉइंट है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो ये बेंजाइलिक एल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है, पहले बात तो ना बच्चों को बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होता है ये पता नहीं होता है, उससे पहले सीख लो, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग पर यहाँ कोई ब्रांच लगेगा, मान लो क्या लगेगा, ब्रांच, मतलब बेंजीन रिंग अगर ब्रांच की तरह काम कर रहा है किसी चेन में, तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है ना। और अगर बेंजीन रिंग पर एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है और दो एच है, और इसके पास एक कोई ग्रुप होगा दूसरा, ठीक है, मतलब अगर ये कार्बन एटम कितना रखता है, दो एच रखता है, तो हम इसे बोलते हैं बेंजाइलिक, ठीक है ना, बेंजाइलिक। अब सुनो, अब अगर यहां पर सीएल लग गया तो बनेगा क्लोरो बेंजाइल, क्या बनेगा, और अगर यहां पर ओएच लग गया तो बनेगा क्या, हाइड्रोक्सी बेंजाइल, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइलिक ग्रुप। अगर इसी बेंजीन पर सपोज करो, यहां ना लिख रहा हूं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए, दो तरफ ब्रांचेस में एक ही एच रहेगा, तब हम इसको बोलते हैं बेंजो, ठीक है ना, बेंजो बोलते हैं। और अगर इस बेंजीन पर यहां कार्बन है और इसके पास तीनों ग्रुप है इस पे लगे हुए, एक भी एच नहीं है, तब हम इसको बोलते हैं बेंजल या बेंजा, ठीक है ना। तो देखो कितने होता है, फिनाइल होता है, एक बेंजाइल होता है, ठीक है ना, आप इसको बेंजाइल बोला, ठीक है ना, बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजो और बेंजा, तीन आपको याद रखना है। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बेंजाइल की, है ना, कि बेंजाइल एल्कोहल कौन होगा या बेंजाइलिक एल्कोहल कौन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका आएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, बेंजाइलिक एल्कोहल कौन होता है देखते हैं, जाओ लिखे भाई, ये आपको ना पता होना चाहिए। देखो तो बेंजाइलिक एल्कोहल की पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो मैंने तुम्हें, देखो हमें ये वाला यहां पढ़ना है, बाकी तीनों मैंने आपको दिया इंफॉर्मेशन, आगे काम आएगा, ठीक है। और ये हमारा फिनाइल होता है, अगर बेंजीन ग्रुप, मतलब कि अगर बेंजीन ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हो आप उसको किसमें, किसी चेन में, तो उसे फिनाइल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आता है बेंजाइलिक एल्कोहल कौन कौन होते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल कौन कौन होते हैं, देखो ये मेरे पास एक बेंजीन ग्रुप है, एरोमेटिक होना चाहिए, बेंजीन पर जो कार्बन एटम है सी एच टू, उसके पास ओ एच है, इसे बोलते, देखो इस सी एच टू के पास कितना, एक ही तो ओ एच है,
तो हम इसे बोलेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक, ठीक है ना, एल्कोहल, बेंजाइलिक प्राइमरी बोलते ना, हाँ बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर मान लो बेंजीन है, अच्छे से नहीं बना, ठीक से बनाते हैं, सपोज करो बेंजीन है यहां, और बेंजीन पे देखो CH3 लगा दिया इधर OH, अब गिनो चार बॉन्ड हो गए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। देखो यहां पर क्या, इसके पास एक ब्रांच भी आ गया, तो जिस कार्बन के पास OH ग्रुप है वो दो कार्बन से अटैच है, कौन कौन सा, एक तो CH3 वाला कार्बन और दूसरा बेंजीन वाला कार्बन, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और थर्ड हमारा जो होगा इसमें वो होगा ऐसा बेंजाइलिक जहाँ कार्बन जो होगा उसके पास OH होगा, तो तीन ग्रुप होंगे, सॉरी दो, देखो अब ये कार्बन जिसके पास कौन OH है, वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, एक तो ऊपर का मिथाइल ग्रुप हो गया, एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और एक ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ जो कार्बन होगा उसके साथ भी क्या अटैच है, तो ये कार्बन हमारा 3 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और इसमें जो कार्बन एटम था ये वाला, ये कितना है, ये 2 डिग्री है ना कार्बन एटम, ऐसा लिख देना ताकि तुमको याद रहे, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम है, लिख दोगे तो आपको याद रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी। ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा ना, 2 क्यूब 1 डिग्री, ठीक है ना, ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा प्राइमरी, मतलब ये हमारा सेकेंडरी और ये हमारा टर्शियरी, तो हम इसको बोलते हैं टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना, क्लियर है। ये सब था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसके बाद आता है फिनॉल, फिनॉल भी भाई, फिनॉल पर भी तो अलग अलग OH हो सकता है, तो फिनॉल का भी क्या होता है क्लासिफिकेशन, वो भी अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, और दो है तो डाईहाइड्रिक, ठीक है ना, और तीन है तो ट्राईहाइड्रिक, ठीक है ना भाई। तो लिखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। उससे पहले ना एक चीज देख लो, विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, इसमें क्या होगा, देखो इसमें ना सिंपल सी बात यह है कि मान लो कार्बन है CH3 और यहां पर क्या है सी डबल बॉन्ड सी और ये OH 2, 3, 4, देखो जिस कार्बन पर क्या है OH है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जिसके पास OH ग्रुप अटैच है, तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं क्या, विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, इसमें भूलने वाली बात कोई भी नहीं है, विनाइलिक एल्कोहल हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ विनाइलिक एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, इथर की ना हम लोग लेंगे अलग से सब कुछ, नेमिंग भी लेंगे, क्लासिफिकेशन भी लेंगे, होता क्या है उसको भी हम लोग इथर को अलग पार्ट में पढ़ेंगे, हम लोग फिलहाल एल्कोहल और फिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड पर यानी कि बेंजीन रिंग पर अगर OH है तो हम उसे फिनॉल बोल देते हैं, और अगर एलिफेटिक कार्बन चेन पर है OH ग्रुप तो उसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल का क्लासिफिकेशन, देखो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर एक OH है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल तो नाम है इसका लेकिन हम इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। अगर मान लो टोल्यून पर OH है, टोल्यून समझते हो ये रहा बेंजीन पर CH3, अगर इसके पास OH है तो आप इसको भी क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक ही बोलेंगे, ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, OH एक ही है इस पर,
तो ये हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक। अगर मान लो दो OH ग्रुप है एक ही बेंजीन रिंग पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा वो देखना, OH हो गया इधर, इधर भी OH हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ठीक है। अगर तीन अटैच हो गया OH ग्रुप एक ही बेंजीन रिंग पे, एक इधर लगा दो मान लो, एक इधर लगा दो और एक इधर, तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है ना, ऑर्थो लगा दो या फिर पैरा, ठीक है ना, बात एक ही है, तो हम लोग इसे बोल देंगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक क्या फिनॉल, ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल और ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, सॉरी डाईहाइड्रिक फिनॉल और यहाँ अंदर ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है ना। ये होता है फिनॉल का क्लासिफिकेशन, बस तुमको नाम लिख के और छोड़ देना है, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक। और ईथर को हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल अभी ना, ईथर हम लोग अलग से एक सेपरेट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक में, उसका नाम, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन सब कुछ, ठीक है। अब आता है नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर है ना अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, छोटे छोटे वीडियो की हेल्प से अपन लोग पढ़ेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। चलो कॉपी करो और आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।